आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है श्यामला अकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज हम बात करने वाले हैं आपका फ्रंट ऑफिस हालात के चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की। फ्रंट ऑफिस के अंदर आपका जो डिपार्टमेंट्स होता है, जो फ्रंट ऑफिस, उसमें क्या अनुक्रम होता है आपकी स्टाफिंग का, या बोल सकते हैं कि फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरह से होता है, तो ये सारी चीजें आज हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है वो आपका मिरर ऑफ द होटल्स होता है, जहां पर आपके गेस्ट की चेक इन चेकआउट किया जाता है, आप बोल सकते हैं, जहां पर आपकी होटल्स बुकिंग होती हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसमें कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके कुछ अनुक्रम होते हैं, तो वो किस तरह से अनुक्रम होता है या उसका किस तरह से हायरार्की होती है आपकी स्टाफिंग की, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम इसको समझेंगे, आपका जो फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है वो टॉप से लेकर बिलो तक किस तरह से होता है। सबसे टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है उसमें आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस का, उसको हम फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स बोलते हैं। और कुछ होटल्स में आपका रूम डिवीजन मैनेजर भी होते हैं, जो आपका हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस दोनों डिपार्टमेंट्स को वो लुक आफ्टर करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की, तो फ्रंट ऑफिस का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वहां पर आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, उसके नीचे आपका असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, क्योंकि फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे आपका एक असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है जो असिस्ट करता है आपके फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स को। और फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे आपके साथ में आपके रिवेन्यू मैनेजर्स होते हैं और साथ ही आपका नाइट ऑडिटर भी होता है। तो जो रिवेन्यू मैनेजर होता है जो आपकी होटल्स को रिवेन्यू आपका जनरेट करता है, रिवेन्यू मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे आपके रिजर्वेशन सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे आपके एसोसिएट हो सकते हैं, और साथ ही जो आपका नाइट ऑडिटर है, तो नाइट ऑडिटर होता है आपका जो आपका नाइट ऑडिट करता है पूरे होटल्स का, और जहां पर वो अपना डे क्लोज करता है उसके नीचे होता है आपका सीनियर कैशियर, उसके नीचे आपके कैशियर हो सकते हैं। तो ये भी आपके डायरेक्ट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे आते हैं दोनों पोजिशन, रिवेन्यू मैनेजर एंड नाइट ऑडिटर्स। उसके बाद बात करते हैं आपका असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे आता है आपका लॉबी ड्यूटी मैनेजर्स, जो आपका लॉबी मैनेजर भी हो सकता है या ड्यूटी मैनेजर, दोनों में से एक कोई भी पोजीशंस हो सकते हैं, उसको हम ड्यूटी मैनेजर बोल सकते हैं या लॉबी मैनेजर्स बोल सकते हैं। उसके नीचे आते हैं आपके फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर्स, ड्यूटी मैनेजर के नीचे आपके फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर्स आते हैं, जो आपके सुपरवाइज करते हैं अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को। उसके नीचे आते हैं आपके छोटे छोटे स्मॉल डिपार्टमेंट्स होते हैं या बोल सकते हैं सेक्शंस होते हैं, उसमें आपका कंसियर्ज आता है, कंसियर्ज इसमें आपका कंसियर्ज मैनेजर्स हो सकता है या कंसियर्ज सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, उसके नीचे उनके एसोसिएट उनके साथ काम करते हैं। साथ ही एफएमबी सुपरवाइजर के नीचे सेकंड आता है आपका सीनियर रिसेप्शनिस्ट, और उसके नीचे आपका रिसेप्शनिस्ट हो सकता है। और उसके बाद आपका टेलीफोन सुपरवाइजर्स होते हैं जो टेलीफोनिक हैंडल्स करते हैं अपने गेस्ट को, और उसके बाद आपके वहां पर एसोसिएट हो सकते हैं। उसके बाद जो एफएनबी सुपरवाइजर नीचे आता है आपका बेल कैप्टन, ये भी आपका एक सेक्शन होता है फ्रंट ऑफिस के अंदर, बेल कैप्टन होते हैं, उसके नीचे आपके बेल बॉय होते हैं, और बेल कैप्टन बेल कैप्टन या बेल डिपार्टमेंट में ही आपका वैलेट सर्विस होती है, ये भी आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। बात करते हैं और आपका जो आपका असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे आपके गेस्ट रिलेशन मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे आपके गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और उसके नीचे आपके एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये आपका पूरा फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था एक बड़े लार्ज होटल्स का, जिसमें आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका रिसेप्शन हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकता है, आपके गेस्ट रिलेशंस डिपार्टमेंट हो सकता है, कंसियर्ज हो सकता है, आपका बेल डेस्क हो सकता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके फ्रंट ऑफिस के अंदर आते हैं, और ये सभी डिपार्टमेंट सभी गेस्टों को अलग अलग तरीके से अपने द्वारा जानकारी देते हैं गेस्ट को और हैंडल्स करते हैं। तो ये आपके लार्ज होटल का फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में अपने सजेशन अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।